तिल संक्रांति की बहुत बहुत बधाई सभी, ठीक है ना। अभी हमारे पास का तिल संक्रांत आपके तरफ तो आएगा नहीं, इसलिए हम देखे नहीं है, ठीक है ना। फिर भी सभी सखियों को प्यार भरा तिल तिल लो और मीठे मीठे बातें करो, बराबर ना। अभी हम मराठी से बात नहीं करेंगे, हिंदी में ही बोलेंगे, बराबर ना। मराठी में बोला जाता है दिल गुड़ गया गुड़ गुड़ बोला, ओके ना। तो हमें मीठी मीठी बातें ही करनी है। मैं पुणे से बिलोंग करती हूँ और बागुली सिटी की मैं सिटी प्रमुख, ओके। और एक आपके गूगल से की मैं एक फैशन डिजाइनर की ट्रेनर एज और एक गूगल से की प्रतिनिधि हूँ, ओके मैम। अभी सर जी ने मुझे बोला है कि कुछ तो स्पेशल सुनने को मिले, बराबर ना। तो स्पेशल सर जी ने जो बोला है वही मैं आपको बताऊंगी, लेकिन मेरे बोलने का तरीका यही होगा कि मैं एक बिजनेस वुमन हूँ और मैं जो बोलूंगी तो आपको यही बात बोलूंगी कि जो भी आप चीजें सीख रहे हो, कर रहे हो, बन रहे हो, तो मन से करिए, अच्छे मन से करिए, और उसमें कुछ भी आपको बनना है इस पर्पज से कीजिए। कुछ भी बनो, बहुत अच्छे बनो, बराबर, जो भी करो। देखिए अभी हमारे पास गूगल सर्च में अर्न करने के लिए बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हम घर बैठे पेमेंट कमा सकते हैं, बराबर ना। कहीं हमें जाने की जरूरत नहीं और हमें बहुत सी चीजें सीखने को भी मिल रही, बराबर। जैसे हो गया हमें पार्लर का हो गया, कोचिंग स्पोकन इंग्लिश का हो गया, उस प्रकार से हमारा फैशन डिजाइनर से जैसे आप पार्लर सीखते हो तो पार्लर से भी आप अर्न कर सकते हो, लर्न कर सकते हो, बराबर किसी को पढ़ा सकते हो, किसी की हेल्प कर सकते हो। अभी हमारे जैसे मैडम ने बोला है, जैसे हम बाहर सिटी में रहते हैं, सिटी वाले लोगों का कोई प्रॉब्लम नहीं रहता, हर चीज उन्हें अवेलेबल हो जाती है, लेकिन जैसे छोटे से गांव में होते हैं उनको स्पोकन इंग्लिश के लिए प्रॉब्लम, पार्लर के लिए प्रॉब्लम, फैशन डिजाइनर के लिए प्रॉब्लम, यानी कहीं भी कुछ करने जाओ तो हर चीज में उनको प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम क्रिएट करनी होती है। आने जाने की दिक्कत, कभी लड़कियों को कहीं भेजते नहीं या बहू बेटियों को कहीं बाहर जाने नहीं देते, हमारी मन की इच्छा मन में ही रह जाती है, ओके ना। तो ये सब चीजें हमें अगर करनी है और किसी की हेल्प करनी है तो हमारे पास जो हमारे सर जी है पाटिल सर जी, उन्होंने जो हमारे लिए इतना बड़ा अच्छा सा प्लेटफॉर्म लेके आए, तो उनका बहुत अच्छी तरह से उसका उपयोग करिए और अपनी जितनी भी सहेलियां है उनको इनवाइट करिए, ओके ना। क्योंकि हर चीज किसी की हेल्प करना, किसी को हर चीज का पता नहीं होता, अगर हमें पता है तो हम आगे वाले को बोल सकते, बराबर ना। अगर हम किसी को, हमें जो मालूम है अगर हम किसी को बताएं और किसी का उसमें बेनिफिट होता है तो हमारे लिए वो एक अच्छी तरह का प्रसाद ही होता है, श्रद्धे से बोलते आशीर्वाद भी हमें मिलता है तो उसी प्रकार का वो आशीर्वाद होता है। मैं एक फैशन डिजाइनर हूँ उसकी वजह से, और मैं एक, मेरे पास तीन तीन शॉप है ना, तो मैं वो चलाते चलाते मैं इतना थक भी जाती हूँ कि अभी पूछो मत। फिर भी मैंने डेयरिंग करी कि जितना मुझे नॉलेज है, मुझे कम से कम अभी मैं 10-15 साल से मैं ये फैशन का पूरा क्लासेस चलाती हूँ। मैं ऑनलाइन तो कभी लेती नहीं थी, मेरे गॉड गिफ्ट है ये तीनों मेंबर, जैसे मेरे खरत पाटिल सर, मीनाक्षी मैम और अश्विनी मैम, इन तीन लोगों ने मुझे ऑनलाइन में प्रोवाइड किया कि आप भी क्लास लेना चाहते हो तो ले सकते हो। तो मेरी भी इच्छा थी कि मैं कभी लूँ, मैं ऑफलाइन आज तक कम से कम 500 प्लस लेडीज की क्लासेस ले चुकी हूँ, लेकिन अभी मैं फर्स्ट टाइम ऑनलाइन का क्लास ले रही हूँ, ठीक है। तो जो भी मेरी सहेलियां है जिनको भी मुझे, अगर किसी को ऑनलाइन फैशन डिजाइन का कोर्स करना चाहते हो तो प्लीज आपका सबका मोस्ट वेलकम है मैम, आप सब आप ज्वाइन हो सकते हो, क्लास कर सकते हो। अगर हम किसी से, हमसे जो जुड़े हैं अभी जो क्लास कर रहे हैं उनसे आप पूछो तो उनसे वो भी आपको बताएंगे कि हम कैसे पढ़ाते, ठीक है ना मैम। ऐसा कोई भी नहीं होता कि ऑनलाइन ऑफलाइन, आपके मन में डिपेंड होता है कि आपको क्या करना है क्या नहीं। हमारे तो स्पोकन इंग्लिश के मैम हो गई, पार्लर वाले मैम हो गए, हम हो गए, कुकिंग वाले हो गए, जैसे हमारे ट्रेनर है अभी हमारे मीनाक्षी मैम है, सारिका मैम है, अश्विनी मैम है, बहुत से ऐसे मैम है जिनका मुझे नाम पता नहीं, फिर भी सभी मैम जो भी ट्रेनर है बहुत अच्छी तरीके से हमें सिखाते हैं, पढ़ाते हैं। हम भी नए नए गूगल सखी में है मैम, हम ज्यादा दिन नहीं हुए, लेकिन जितना भी पढ़े जितना भी हमें बताए बहुत अच्छी तरह से बताए, जो भी सीखे हमने मन से सीखे मन से करे, जितना भी हमें टाइम मिलता है हम अपना टाइम वहां पे वेस्ट करते हैं, इधर उधर हम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते, हमें टाइम ही नहीं मिलता। लेकिन कभी हमारा वीडियो ऑन रहता है, कभी ऑफ रहता है, तो कुछ हम
हमारी पर्सनल दुकान की वजह से, शॉप की वजह से हमारे प्रॉब्लम होते हैं, इसलिए हम वीडियो ऑन नहीं करते। इसलिए सबको हम एक बार सॉरी बोलते हैं, लेकिन हम मीटिंग जरूर अटेंड करते हैं। हमारी वीडियो ऑन अगर नहीं भी रहे फिर भी हम मीटिंग में अटेंड जरूर रहते हैं। मैम तो क्या होता है ना, कोई भी हमें कोई भी इंफॉर्मेशन देता है ना, तो कहीं ना कहीं हमारे काम की होती है। हर चीज में हम परफेक्ट नहीं होते, हर चीज हमें नहीं आती, लेकिन किसी के थोड़ा 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 नॉलेज लेने से हमें क्या बोलते हैं, हमारा नॉलेज बढ़ता है। ओके ना मैम, अब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी। ओके ना।